वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। शुड आई बी होल्डिंग दिस? नहीं नहीं, मैं इधर से उधर भाग रही हूँ तो मैंने नहीं लगाया हुआ। आप अच्छे लग रहे हैं, आपने तो बैठ के इंटरव्यू देना है। मैं यहाँ से दूसरे के लिए भागूंगी, तीसरे के लिए, तो आई थॉट के ये परफेक्ट। हाउ इज इट गोइंग? क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू गेटिंग यूज्ड टू द फेम, द फैंस एंड द आर्टिस्ट? ओ लॉर्ड, मैं ऑनेस्टली आई एंड द एप्रिसिएशन, आई मस्ट से दैट आल्सो। सो इट्स लाइक फैन, आर्टिस्ट, appreciation and the fame. Well, grateful as always. I don't think about this side of my work much. Yeah. क्योंकि मैं ज़्यादा सोचूँ तो फिर मैं बहुत overwhelmed हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ। जज्बाती कैसे होते हैं? बस I sit alone and I just start thinking about stuff, but then at the same time ज़रा grateful भी होते हैं, we thank our Lord. But you know Hamza, I look at you and I look at your journey and आप जो कह रहे हैं ना, मतलब I can totally imagine. It's like so heartwarming to just see your journey, mashallah, quwata illa billah, and see you doing so great. It makes me really proud ke aapka journey maine shuru se dekha hai and abhi aap mashallah se itne jo hamare industry ke top naam hai unke sath kaam kar rahe hain, you know, that's and you're giving such solid performance ke kahin se lagta nahi hai ke, you know, abhi you just been few years, so I can totally imagine jo aap keh rahe hain jazbati ho jata hu kyunki when you look back ek surreal si feeling aati hogi, hai na? Bilkul aise hi, bilkul ki dream hai shayad koi. Bilkul aise hi hai. I'm very very blessed in the matter of working with some of the best in the industry aur bada kuch seekhne ko milta hai aur seekh rahe hain. Mera kaam, आप यू बीइंग टू काइंड, आप कह रही हैं आपको अच्छा लगता है, मुझे तो, मैं तो बड़ा हाइपर क्रिटिकल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बैठ के अपने काम को देख के कोस रहा होता हूँ कि हाउ कैन यू से दैट? अब्बा क्या कहते हैं? ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, बट वहाँ से भी झाड़ी पड़ती है, जब भी पड़ती है मिलना पड़ेगा उनसे भी कि क्यों झाड़ पड़ रही है। नहीं, मेरा पूरा घर ही, माई होल एंटायर हाउस होल्ड इज़ लाइक दैट, वो सारे हमेशा क्रिटिकल ही होते हैं, वो हमेशा बुरी चीज़ें ही पॉइंट आउट करते हैं, बुरी चीज़ें एज इन द फ्लॉज इन माई वर्क, एंड आई थिंक ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। सो दे कीप यू ग्राउंडेड? नो, मोर सो देन ग्राउंडेड, आई थिंक इट्स द रियलिटी एज वेल, आई एम नॉट, यू आर बीइंग टू मॉडेस्ट। चले, अच्छा मुझे बताएं, कश का जो स्क्रिप्ट आया, व्हाट वाज इन दैट कैरेक्टर डॉक्टर नोफल के यू सेड के ओ ये करना है मुझे, यू नो, अदर देन ऑफ कोर्स इट्स कश एंड इट्स सजल? आई बिलीव व्हेन अ स्क्रिप्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड कम्स टू यू ना, एंड अ स्क्रिप्ट दैट्स सर्विंग अ हायर पर्पस, मुझे इस तरह लगता है कि मेरे साथ तो आई वॉज लकी इनफ, फॉर्चुनेट इनफ कि दिस वॉज माई फर्स्ट स्क्रिप्ट ऑफ इस तरह के जो सोसाइटल इशूज को हाईलाइट करते हैं, मेरा वो इस तरह का पहला स्क्रिप्ट था, बट मेरे लिए वॉज अ वेरी इजी डिसीजन, मेरे लिए, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब ये पिच किया गया था तो मैंने नहीं सुना था मेरा कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, और मुझे बड़ा लास्ट मिनट बुलाया गया था ये भी मैं आपको इनसाइट दे देता हूं, आई वाज कॉल्ड इन वेरी लास्ट मिनट, तो आई डिडंट हैव मच टाइम टू डिसाइड, बट जब मैंने सुना सैफी हसन साहब, मीटिंग ही उनके साथ थी, एंड देन सज्जर अली जी एंड मुस्तफा अफरीदी साहब एंड द एंटायर कास्ट एंड क्रू, आई वाज लाइक आमीन। प्लस मैंने जब वन लाइनर ही सुना, आई वाज सोल्ड, मैंने कहा दिस इज सर्विंग अ बिगर पर्पस हियर, तो आई थिंक आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मेरा किरदार जिस तरह से भी होगा, जो भी होगा, वेदर इट्स अ ग्रे कैरेक्टर और ब्लैक कैरेक्टर और वाइट कैरेक्टर, तो इवेंचुअली तो इट विल बी सर्विंग अ बिगर पर्पस, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज़ आई एम हैप्पी टू हियर कि आपका ये थॉट प्रोसेस है, बिकॉज़ यू गाइस आर द नेक्स्ट, यू आर द टुमारो ऑफ दिस इंडस्ट्री, टू हैव दिस थॉट कि यार मुझे नहीं है कि कितना है ये कॉज बड़ा है देन माई कैरेक्टर, आई थिंक दैट्स सच अ ग्रेट थॉट। बट सजल के साथ पहली मुलाकात कैसी थी? बड़ी मज़ेदार थी, वो आई हैं और मैं बस खड़ा हुआ हूँ, एंड आई वॉज लाइक, बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम अ ह्यूज फैन, मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई एम अ ह्यूज फैन, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस एंटायर रीजन, बल्कि तो मैं तो वो आई हैं तो मैं वो एहतरामन, आई जस्ट स्टूड अप, बट शी ऑन द अदर हैंड वाज सो वार्म एंड सो काइंड, शी इज द, आई थिंक द प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ एन आर्टिस्ट शुड बी व्हेन दे रीच दैट पॉइंट, हर डिमीनर, हर ऑनसेट डिमीनर, द वे शी मूव्स ऑनसेट, द वे शी वर्क्स, हर वर्क एथिक्स आर फिनोमिनल, मैं कहता हूँ आई वॉज माइंड ब्लोन, मैंने कहा यार दिस इज व्हाट वर्ल्ड शुड स्ट्राइव फॉर। दैट्स गुड टू हियर। औरतों की एजुकेशन के बारे में ज़्यादा है, और इट्स वैसे मैं सोच रही थी हमजा कि हम लोग ना, चाहे हम किसी विलेज से बिलोंग करते हो, शहर से भी, बट
when you're choosing a life partner, somehow education is not at the top, right? हम आजकल उसकी बात करते हैं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एम्पावर्ड, बट कहीं ना कहीं आजकल शहरों में भी एजुकेशन को हम क्या लड़कियों के लिए इतना देखते हैं जितना हम मर्दों के लिए देखते हैं. और डू यू फील इट्स चेंजिंग एंड हाउ डू मेन टेक दिस कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि उनकी वाइफ एजुकेटेड हो? आई थिंक वी एज अ कंट्री हैव प्रोग्रेस्ड ओवर द इयर्स. मुझे इतना लगता है आई माई सेल्फ हैव witness this change, and I'm not just speaking about a very specific population. Main niche awam ki baat nahi kar raha, main dekh raha hu even in the masses gradually there is a progression. People are beginning to understand the importance of educating women, their daughters. People are gradually, slowly, but they are beginning to understand this. But ji bilkul, still that's what Zal Patton ke Ban is highlighting in this kya kehte hain our show. Basically, so it's a mirror against yehi sare societal issues. It's a mirror being held against such societal issues, and mainly being women's education. So I think right now, and even in our project as well, we are speaking mostly about the rural areas of Pakistan. Wahan pe, I believe, yes, the awareness, the education hasn't reached as of yet, but I think is tarah ke projects through our media and of course through our education, I think we can gradually make people aware of such issues. But it's very important. I believe it's extremely, extremely important. 100% there's no doubt about it. Is pe koi wo debate hai hi nahi. Aapki betiyon ka, aapki behno, hamari behno ka, sabka padha likha hona bahut zaruri hai. Because and also life partner ki choice mein, that's what I was asking. Yeah, of course. Ki wo kitni educated hai, it's not just ki degree pe, you know, exposure, education, because that determines your future, right? Yeah, 100%. Ek aurat ka educated hona, I think, is that pivotal point of like turning an entire generation into something else. To wo bahut bahut critical hai, and I think ye logon ka samajhna bada zaruri hai, mard hazrat ka samajhna bada zaruri hai. ये आपने की बात बोली ना, मर्द आजाद का ही समझना, मर्द तो चेंज दोनों साइडों से आएगा, एक साइड से नहीं. बिल्कुल ऐसी है. और इसी बात में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि और लोगों ने भी इंटरव्यू करना है. आई थिंक मैंने ये लाइन पता नहीं कितनी बार रिपीट की है, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अगेन. टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक विद द ड्रामा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. पहले तो दिल से शुक्रिया एक और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़े का प्रोजेक्ट बनाने का. आप देती हैं हमें टीवी पे वो चांस जब हम इंजॉय भी करते हैं और कुछ सीख भी लेते हैं कुछ, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. बट ये जो आपने इस बार कश फाउंडेशन ने चूज़ किया, आप लोगों की कुछ फाइंडिंग्स थी? व्हाट लेड यू टू दीज टू थ्री पर्टिकुलर थीम्स जो हम ड्रामे में देख रहे हैं? देखिए, कोई भी बढ़ती हुई आबादी की बात नहीं कर रहा, और ये हमारा एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है. अगर मैं आपको बताऊँ तालीम में फुकदान, इस वक्त हमारे 2,80,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं. क्यों हैं? एक तो आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारे पास स्कूल मौजूद नहीं. तो और इसका एक ह्यूमन फेस बहुत बड़ा है. और मैं आपको लाखों कहानियां बता सकती हूं जहां पे ख़वातीन जचकी में उनको इश्यूज़ होते हैं, उनकी वेलबींग, उनकी सेहत पे इफ़ेक्ट होता है. तो इसके बारे में कोई बात नहीं करते. अगर आप किसी भी खातून से बात करें जो कम आमदनी के इलाकों से हैं, या वो आपको कहेगी कि जी मुझे तो कम बच्चे चाहिए थे, लेकिन शी डजंट हैव एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग एंड रियल मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो इस पर जब हमने सोचना शुरू किया, ऑफकोर्स ये एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसको हमें लोगों के सामने लाना भी था, उसके मैसेजेस भी पहुंचाने थे, तो इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना था, एंटरटेनिंग भी करना था. तो ये शुरू वहाँ से हुआ कि नो व्हाई इज़ नो वन टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन एंड इट्स इंक्रीज अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ट्रू, वहाँ से शुरू हुआ था. आपकी बात बिल्कुल सही है. और अब मैं, आप मतलब वही होता है, हम लोग अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता है इतने बिजी हैं, हमें चीज़ें हिट नहीं करती हैं. अब आपने कहा है तो इवन मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यस, ये एक बॉम्ब में जो लास्ट किसी वक्त भी हो सकता है, जिसके हमें शायद हो भी गया है. एनी वन पर्टिकुलर थिंग दैट्स क्लोज टू योर हार्ट इस ड्रामे में जो आपने करवाई कि अच्छा ये भी हो रहा है बट इसको भी करें? बिकॉज आई नो यू डू अ लॉट ऑफ यू नो इम्प्रूवमेंट एंड आप उसमें इन्वॉल्व होती हैं बहुत. सो मेन थीम तो आपने देखी कि वो पॉपुलेशन, सेहत, औरतों की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके ऊपर था. लेकिन एक मसला जो बहुत